Recording in progress. हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी लोगों का हार्दिक भक्तों का हार्दिक स्वागत कर आज जो है हम भगवद गीता के 17वें अध्याय जिसका कि शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा के विभाग इस अध्याय के श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 20 तक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग बड़ी तीव्रता से भक्ति के मार्ग पर भक्ति के कार्यों में प्रशस्त हो रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग भक्ति में इसी तरह से तत्परता से लगे रहिए और भक्ति के कार्यों में संलग्न होकर के अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति जो है विभिन्न विभिन्न कार्य से प्रकार से यज्ञ दान तपस इत्यादि में उठता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 11 से 20 में समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान आगे किस तरह से दान इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग हमें ये अवगत कराएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। आप लोग चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करिए और कृपया बताइए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अथवा नहीं। एक बार आप लोग स्पष्ट करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग आगे हैं श्लोक संख्या 11 पर और श्लोक संख्या 11। अब यहां पर श्लोक संख्या 11 में 11 से लेकर के 13 भगवान 3 गुणों में यज्ञों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान कह रहे हैं अफला आकांक्ष भी यज्ञ विधि विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एव इति मना समाधया सा सात्विकी। भगवान कह रहे हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना है, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ की दृष्टि से रख कर किए जाते हैं लेकिन यह सत्वगुण में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि यह कर्तव्य मानकर मंदिर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सदोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुणी यज्ञ के बारे में दिशा निर्देश भगवान दे रहे हैं। तो क्या दिशा निर्देश है कि सात्विक यज्ञ कौन सा है? तो वो यज्ञ जो कर्तव्य समझकर जिसका क्रियान्वयन किया जाए। तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि प्रायः जो लोग होते हैं यज्ञ किस यज्ञ या मंदिर जाते हैं किस प्रयोजन से, किसी ना किसी प्रकार के लाभ के लिए मंदिर जाते हैं। जैसा कि भगवद्गीता के 4th अध्याय में भगवान ने सुस्पष्ट तरीके से बताया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान के धाम को जाते भगवान के मंदिर जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरताशु। तो आर्थो जिसकी कोई जिसको कोई शारीरिक पीड़ा है, पीड़ित है, अपनी पीड़ा को दूर करने हेतु जाता है व्यक्ति। फिर दूसरा है अर्थार्थी यानी जिसको कि धन की किसी प्रकार की आवश्यकता है। फिर है जिज्ञासु जिसे किसी ना प्रकार की जिज्ञासा है और तीसरा है ज्ञानी।
तो इन तीन प्रकार के और चार प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं होते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन कालांतर में जब ये शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, भगवान का नाम इत्यादि जप करते हैं, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं बिना की आकांक्षा के। जैसे इतर शास्त्रों में बताया गया कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्र न भक्ति योगी न याजते पुरुषम परम। तो अगर का आपकी कोई भौतिक इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा हो, किसी प्रकार की आपकी इच्छा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बताया गया है, शुद्ध भक्ति है अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम आनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनाभिलाषिता शून्यम यानी बिना किसी अभिलाषा के बिना किसी भौतिक अभिलाषा के, और एकमात्र अभिलाषा क्या होनी चाहिए कि भगवान की सेवा करें। तो हमें मंदिर जाना चाहिए, यद्यपि हमें मंदिर जाना चाहिए तो सिर्फ कर्तव्य कर्तव्य के रूप में कि नहीं मंदिर जाना, जैसे हम जाते हैं माता पिता की सेवा क्यों करते हैं, कर्तव्य है हमारा, यानी ये हमारा दायित्व है, इसको हमें निर्वहन करना है। उसी तरह से माता पिता की सेवा हम इसलिए भी करते हैं कि माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया है, छोटे से बड़ा किया है, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, सुंदर पत्नी से विवाह कराया, सारी संपदा इत्यादि हमें प्रदान की जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाए, तो उस कर्तव्य को निर्वहन करने हेतु माता पिता की सेवा करते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें तो हम पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हैं सारे विषय वस्तु के लिए, आहार खाने के लिए भी हम भगवत कृपा पर आश्रित हैं, विहार करने के लिए भी भगवत कृपा पर आश्रित हैं, सोने के लिए भी भगवत कृपा पर आश्रित हैं, प्रजनन करने हेतु भी भगवत कृपा पर आश्रित हैं, बच्चों के लिए भी भगवत कृपा पर आश्रित हैं, और सभी विषय वस्तुओं के लिए हम भगवत कृपा पर ही आश्रित हैं। तो जब सारी चीजें भगवान हमें पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में पहुंचा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके घर जाएं, उनसे मिले, उनका दर्शन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। इसलिए नहीं तो जो इस प्रवृत्ति में, जो इस मनोशक्ति में, जो इस व्यवस्था से भगवान के समक्ष जाता है और उन्हें प्रणाम करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, ये सोच करके कि ये मेरा दायित्व है और उसे प्राप्त करना, ये इस चीज को करना मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, तो वो व्यक्ति सत्वगुण में होता है, वो यज्ञ सत्वगुण में माना जाता है। अगर आपको ये स्पष्ट हो गया हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद अब भगवान श्लोक संख्या 12 में राजसी यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अभी संधाय तु फलम दंभम अर्थम अपि चैवयत् चैवयत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। भगवान कह रहे हैं लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो कई बार देखिए अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ करने का हेतु क्या होता है, किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने के लिए या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसा यज्ञ तथा अनुष्ठान राजसी माना जाता है। तो कभी किसी एक विशेष इच्छा को प्राप्त करने के लिए, किसी एक विशेष भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए जब यज्ञ कराया जाता है तो राजसी यज्ञ होता है। आप देखते हैं बहुत सारे यज्ञ होते हैं, जैसे समाज के कल्याण के हेतु यज्ञ किया जाए, या इसके हेतु यज्ञ किया जाए, या किसी पुत्र जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, अगर आप सभी को विदित हो तो रामायण में वर्णन आता है कि कैसे पुत्र प्राप्ति हेतु महाराज दशरथ ने विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग को अपने अपने अयोध्या में बुलाया और फिर उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पहले तो अश्वमेध यज्ञ किया गया, उसके बाद विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार भगवान दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उसके उपरांत उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता, मतलब भगवान का प्रकट होने के लिए यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें दिखाया किस तरह से पुत्रेष्टि यज्ञ करने के उपरांत उन्हें चार पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये पुत्रेष्टि यज्ञ अगर आप सभी को पता होगा, यहाँ पे अयोध्या या बस्ती में पड़ता है एक मखौड़ा धाम, तो आज भी वो स्थल है अयोध्या में जहां पर ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था विमांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग द्वारा। तो इस तरह से विशेष यज्ञ, और अगर आप देखें
बहुत सारे शास्त्रों में तो बहुत सारे ऐसे यज्ञ बताए गए हैं, या अगर आप वेदों को पढ़ें तो वेदों में बहुत सारे यज्ञ की संस्तुति की गई है, जहां पर विभिन्न विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न विभिन्न नियमावली बताई गई है, विभिन्न विभिन्न मंत्रों के विषय में बताया गया है, और जिसका सफलतापूर्वक, जिसका दृढ़तापूर्वक क्रियान्वयन या पालन करने के उपरांत बहुत सारे व्यक्तियों ने इस भौतिक या अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण किया गया। तो इस तरह की यज्ञ जिसमें कि भौतिक कामनाएं हैं भौतिक लाभ के हेतु किया जाए, ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ माना गया है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 13 पर। श्लोक संख्या 13 में भगवान कह रहे हैं, विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम उदक्षिणम श्रद्धा विरहितम विहिम श्रद्धा विहिरतम विहम यज्ञम तामसम परीक्षते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो भगवान ने कहा है कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करता है, तो अगर कोई एक ऐसा यज्ञ करे जिसका शास्त्रों के से कोई लेना देना नहीं, जो अपने मन से किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है विधिहीनम, यानी विधि, तो सारी चीजों की एक विधि विधान होते हैं, क्रियाकलाप होता है। जैसे आप जाए वर्तमान समय में, तो अगर आपको एक सत्यनारायण की पूजा करानी हो तो उसकी एक विधि होती है, पंडित जी आपको एक लिस्ट दे देंगे कि ये सामान ले आना, ये ले आइए, दूध ले आइए, क्या कहते हैं, दही दही ले आइए, घी ले आइए, अलग अलग चीजों की एक लिस्ट, लकड़ी ले आइए, हावी ले आइए, तरह तरह की चीजों की लिस्ट दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, जो जो वहाँ पे ब्राह्मण होते हैं जो सत्यनारायण कथा या कोई भी कथा कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से उनको अच्छा लग रहा है, आज मुझे बहुत घी बहुत अच्छा लगता है तो आप कल घी लेके आओ, या मुझे शहद बहुत अच्छा तो शहद लेके आओ, नहीं, जो शास्त्रों में दिया गया है उन सारी विधियों के अनुसार जो भी चीजों की, जिन भी सामग्री की आवश्यकता होती है उनको लिया जाता है। और ये कहाँ पे बताया गया है? ये शास्त्रों में भी बताया गया है। कई बार लोग इस विषय में अवगत नहीं होते, क्योंकि इन क्यों इन सारी चीजों की आवश्यकता है, क्या इनके बिना कार्य नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, अगर विद्यालय में जब हम केमिस्ट्री की कक्षा में जब कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उसकी विधि विधान दिए गए रहते हैं कि इस तरह से ये कार्य करना है, ये एसिड को मिलाना, वो एसिड को मिलाना, और उसके अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमें उचित उचित फल प्राप्त होता है। तो उसी तरह से जब विधि विधान का पालन करके, शास्त्रों की नियमावली का पालन करने के उपरांत जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उससे हमें उचित लाभ मिलता है। लेकिन अगर हम ऐसा यज्ञ करें जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख ना हो, कोई लेना देना नहीं हो, जैसे बहुत सारे वर्तमान समय में भारत में बहुत सारे ऐसे भगवान हैं और ऐसे सो कॉल्ड लोग हैं जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, कहीं पे भी इनके विषय में कोई भी बताया नहीं गया है, कुछ भी इनके बारे विषय में जानकारी नहीं की गई है, लेकिन ऐसे लोगों के हजारों करोड़ों की संख्या में जो है बड़े बड़े मंदिर, हर जिले में मंदिर आप पा जाएंगे ऐसे लोगों के जिनका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। और लोग, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग भौतियात में ऐसे लोग हैं, जैसे जो तामसी लोग होते हैं वो अपने हिसाब से भगवान निर्माण कर देते हैं, अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को भगवान घोषित करके उसके बारे में चालीसा लिखवा देंगे, उसके बारे में स्तुति लिखवा देंगे, पालकी निकालेंगे, और यहाँ वहां लोग जाएंगे, हर वर्ष करोड़ों रुपए का चंदा भी चढ़ाएंगे वहां पर, तो और करोड़ों अरबों की संख्या में लोग वहां पर जाएंगे भी, और उन्हें स्वघोषित रूप से भगवान घोषित कर दिया जाता है, और जबकि उन्होंने स्वयं कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। लेकिन तथाकथित लोग जो है वो बड़े 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 लोग जो है, बड़े बड़े दानदाता मिल जाते हैं ऐसे लोगों को, भगवान बना करके बड़े बड़े भंडारे चलाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तो इस तरह से जिनका शास्त्रों में कोई विधि निर्देशों की अवहेलना करके, तो जहां पर शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना की जाती है, नहीं माना जाता है या उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा जो यज्ञ होता है वो तामसी होता है। फिर प्रसाद वितरण किए बिना, सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, श्री प्रभुपाद जी से बताया, पूछा गया एक बार कि प्रभुपाद जी ये बताइए कि भागवतम कक्षा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो भागवतम कक्षा किसे कहेंगे? तो भोपाल जी ने कहा कि अगर उसमें हरि कीर्तन होना चाहिए, मंत्रों, वैदिक मंत्रों जो जो शास्त्रों के श्लोकों का उल्लेख होना चाहिए, और भगवत कथाएं होनी चाहिए, और उसके बाद प्रसाद वितरण होना चाहिए, ये होना चाहिए भागवत कथा का, या जो भी है जो हमारे दैनिक भागवत कथाएं जो होती है उसमें, अगर कोई कक्षा हो रही हो उसमें किसी भी श्लोक का उल्लेख नहीं हो रहा हो, किसी भी श्लोक के बारे में चर्चा नहीं हो रही हो, तो ऐसा ऐसा जो कथा है वो भगवत कथा नहीं है, वो और कथा हो सकता है लेकिन भगवान की विषय कथा नहीं।
या ऐसी ऐसी चर्चा जिसमें कृष्ण का कोई लेख ना हो वो भागवत कथा नहीं होती। तो उसी तरह से ऐसी कोई भी विषय वस्तु, ऐसा कोई भी है कि इसमें प्रसाद वितरण ना किया जाए, जैसे कि प्रसाद ही जो है वो सारी कथाओं का सार है। मुझे याद है जब मैं छोटे अपने बाल बाल बाल्यावस्था में था, उस समय हम सारे लोग जो है सत्यनारायण की कथा होती थी प्राय, पहले तो बहुत हुआ करती थी सत्यनारायण की कथा, तो इन सत्यनारायण की कथा के आयोजन में जाया करता था। और मूलभूत उद्देश्य क्या था, मूलभूत उद्देश्य था कि कैसे कैसे वो कथा के उपरांत जो पंजीरी होती है वो प्राप्त किया जाए। तो पंजीरी और चरणामृत प्राप्त करने हेतु तो हम लोग जाते थे सत्यनारायण की कथा में। तो इसी तरह से वर्तमान समय में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं होती हैं जिनका प्रसाद का कोई लेख नहीं होता। ऐसा कहा जाता है जैसे इस्कॉन जो संस्था है या इस्कॉन जो ये हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन है, ये जो है प्रसाद के दम पर ही उठ खड़ा हुआ है। तो इसे किचन रिलीजन भी कहा जाता है। अगर आप जाइए इस्कॉन के किसी भी कार्यक्रम में, तो हर कथा के बाद, हर किसी कार्यक्रम के बाद जो है भक्त आपको प्रसाद अवश्य देते हैं, क्योंकि व्यक्ति को कोई कुछ समझ में आए ना आए, मैं आपको घंटों घंटों बता दूं, घंटों घंटों भाषण दे दूं, घंटों घंटों बोल दूं, लेकिन आपको ये सारी बातें हो सकता है आपके पल्ले पड़े अथवा नहीं, लेकिन प्रसाद जो है एक ऐसी विषय वस्तु है जो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो सभी को जो है ये लाभ देती है, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो है वो भगवत कृपा होती है। भगवान आपके हृदय में सीधा, हृदय में जा करके आपकी अथड़ी में जा करके पूरे शरीर में लहू के रूप में जो है प्रवाहित हो जाता है ये प्रसाद। तो प्रसाद का वितरण करना, आप जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा, जैसे जैसे कि जैसे एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, तो जब वो अमेरिका में रहा करते थे तो चूंकि इस्कॉन के केंद्रों में मुफ्त में भोजन वितरित किया जाता है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, तो वो 2-2.5 मील प्रतिदिन जब वो जहाँ कॉलेज इत्यादि में रहा करते थे तो प्रतिदिन इस्कॉन के केंद्र में जाया करते थे वहां पर फ्री प्रसाद प्राप्त करने के लिए। तो आप लोगों को जान करके बहुत ही सुखद अनुभव होगा, जैसे कि पहले भी है कि इस्कॉन अयोध्या हम सभी लोग जो है प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि 1,000 भक्तों का नियमित रूप से मुफ्त में प्रसाद वितरण किया जाए। तो नियमित रूप से जो प्रसाद वितरित करते हैं, साथ ही साथ जो है प्रत्येक रविवार को भी 250 से 250 डिवोटीज को, भक्तों को, आगंतुकों को, उन्हें भी जो है पूरा प्रसाद जो है वितरित किया जाता है। तो इस तरह से प्रसाद ही सार है हमारा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अनुभव से हम बताते हैं कि कैसे जब वो पाश्चात्य जगत में प्रचार करने गए थे, तो वहां पर पाश्चात्य जगत के जो लोग थे वहां पर उन्हें प्रभुपाद जी ने ज्ञान तो दिया भागवतम विभगवद गीता का, लेकिन वो सारे भक्त मूल रूप से आकर्षित हुए प्रभुपाद जी की पाक कला से। प्रभुपाद जी अगर 70 वर्ष की आयु में जो गुलाब जामुन बनाया करते थे, और इसको जैसे हमारे इस्कॉन की भाषा में उसको इस्कॉन बुलेट कहा जाता है, तो वो सारे जो भी भक्त आते थे, जो सारे भी लोग आते थे, उनको कथा के बाद उन्हें रसगुल्ला या गुलाब जामुन, सॉरी गुलाब जामुन खिलाया करते थे। तो कई कई लोग जो है वो सिर्फ गुलाब जामुन खाने वहां पर आते थे, और धीरे धीरे आने लगे, गुलाब जामुन खाने लगे और हरी कथा सुनने लगे, और विशेष रूप से हरिनाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम ने इतनी बृहद क्रांति मचाई, इतनी बृहद क्रांति की कि पूरे विश्व में जो है हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण अनुगान जो है वो फैल गया, और वर्तमान समय में पूरे विश्व में जो है 1,000 से अधिक संख्या में इस्कॉन के विभिन्न केंद्र हैं, मंदिर, गौशाला, गुरुकुल, इस तरह से हजारों की संख्या में केंद्र हैं। और ये सिर्फ किसके बल पर, सिर्फ भगवत प्रसाद के बल। तो प्रसाद किसी भी यज्ञ, किसी भी आयोजन का, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे वैदिक सनातन धर्म में जो भी क्रिया की जाती है, जो भी कार्य किया जाता है, उसके अंत में प्रसाद जरूर देते हैं, वो जरूर आयोजित होता है, चाहे वो बच्चा हो, अगर किसी के यहाँ पर बच्चा हुआ है, चाहे वो स्त्री या पुरुष या बालक या बालिका हो, तो भी जो है भोज का आयोजन किया जाता है। और अगर किसी के यहाँ पे मृत्यु भी हो जाए, कोई व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त करता है, तो 16 जो संस्कार जिनका नियमावली होती है, 16 संस्कार में हर संस्कार के उपरांत जो है भोज का आयोजन किया जाता है। तो ये सार है। और कभी भी कोई अतिथि भी आता है तो प्रयास यही किया जाता है प्राय जो है वैदिक घरों में कि उन्हें भोजन करा करके ही भेजा जाए, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति परिस्थिति बदलने के कारण लोग जो है, अब किसी के घर पे आप जाइए और आपको जल प्राप्त हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले के समय में प्राय जो भी, अगर कोई भी व्यक्ति अतिथि आ गया हो, किसी भी समय पे जा रहा हो, तो प्रयास यही होता था कि कम से कम वो भोजन करके ही निकले। तो प्रसाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, और अगर किसी भी आयोजन में, किसी भी कार्य में अगर प्रसाद नहीं वितरित किया जा रहा है, तो ऐसा यज्ञ जो है वो तामसी है। फिर वैदिक मंत्रोच्चारण किए बिना, तो
अगर कोई एक ऐसा यज्ञ है जिसमें कोई वैदिक मंत्रोच्चारण नहीं है, जिसमें कोई भी ओम क्लीम इस तरह की किसी भी जो है चीजों का उच्चारण नहीं कर रहा है, और अपने मन से भी वो लोग मन से ही कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं जिसका वेद और शास्त्र के किसी भी कहीं भी उल्लेख नहीं है, वहां पे ऐसी चर्चाएं हो रही है, वहां पे ऐसी कथाएं हो रही है जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, या वहां पे ऐसे विषय वस्तु में ज्ञान बांटा जा रहा है जो कि शास्त्रों से पूर्णता पृथक है, भागवतम भगवदगीता इत्यादि शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, मनगढ़ंत विषय वस्तु के बारे में ऐसे चर्चाएं की जा रही है, तो ऐसा भी क्या है तामसी। फिर पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, तो अगर ऐसा भी कोई कार्य हो, ऐसा भी कोई यज्ञ हो जिसमें पुरोहित जो कि यज्ञ करा रहे हैं उनको दक्षिणा ही नहीं दी जा रही है, उनको पराश्रमिकी ही नहीं दी जा रही है, तो ऐसा भी जो है वो तामसी है। तो प्राय देखिए लोग जो है, एक बहुत ही सुंदर चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शादियां होती है, अभी हाल ही में मेरे घर में मेरे बड़े भाई साहब के लड़की का विवाह था, तो उस विवाह में व्यक्ति जो है 2500 लाख 300 लाख 50 लाख रुपए खर्चा कर देता है, इसके लिए सजावट में खर्चा कर देगा, दहेज में खर्चा कर देगा, गहने बनवाने में खर्चा कर देगा, ये 50 प्रकार के व्यंजन जो कि अतिथि गणाने हैं उनको उनको परोसने में खर्च कर देगा, विभिन्न प्रकार की प्रकाश की विद्युत की व्यवस्था करने में खर्च कर देगा, सारे चीजों में वो पैसा खर्च कर देगा। लेकिन जब बात आती है विवाह कराने वाले उस ब्राह्मण को दक्षिणा देने की, तो सभी को साफ सुन, तो सारा खर्चा जो है उनका उसी ब्राह्मण की दक्षिणा देने में खर्च होगा। आपको सोचना चाहिए कि इतने पैसा खर्च कर दिया, उसे बोलेंगे 200 रुपया 500 रुपया, अरे 2500 लाख रुपए खर्चा कर दिए तो आपका बजट नहीं गड़बड़ाया, और वो बेचारा रात भर जाग करके शादी कराता है, विवाह कराता है, सारे मंत्रोच्चारण करता है, जो मूलभूत कार्य है वो कराता है, और उसको देने के लिए हर लोग जो हिचकिचाते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि जो जो भी पुरोहित हो अगर अच्छे से सेवा कर रहा है तो उसे उसके मेहनताना अच्छे से देना चाहिए, क्योंकि वही जो है मूलभूत रूप से शादी कराता है, बाकी सारी चीजें तो सिर्फ स्वांग होता है, जैसे जयमाल हो गया, जैसे आज शादी शुरू होने से पहले जयमाल होता है, वहां पे सारे लोग आते हैं, लड़के लड़की को हार पहनाता है, रसगुल्ला खिलाता है, और फिर उसके बाद सारे लोग आके आशीर्वाद देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वो सब करने से शादी नहीं होती, वो तो स्वांग होता है, सिर्फ वो नाटक है, असली कार्यक्रम जो होता है जब वेदी पर बैठ करके जो है पिता लड़की का कन्यादान करता है और बालक जो है बालिका जो है पाणि ग्रहण करता है, तो इस तरह से ये सारी चीजें फिर 7 फेरे लेता है, 7 फेरों के नियम बता जाते हैं, तो ये वास्तविक कार्य होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम तो पुरोहित जो इतनी मेहनत करके जो मूल जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करा रहा है, देखिए अगर आप किसी व्यवसायिक व्यवसायिक उद्यमी के यहाँ पे चले जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कार्यरत होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसको सबसे अधिक परिश्रमिकी मिलती है, उसको सबसे अधिक जो है पगार मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ उल्टा होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य करता है उसे हम कुछ नहीं देना चाहिए, तो हमें नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसे उचित उचित जो है मानदेय देना चाहिए। फिर श्रद्धा के बिना मतलब हम कुछ यज्ञ कराए उसमें श्रद्धा ही नहीं होगा, हाँ ठीक है हो जाए तो ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसा भी जो कार्य होता है वो तमोगुणी होता है। तो इस तरह से हमें तमोगुणी यज्ञ करने से बचना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन सा यज्ञ करें, क्योंकि शास्त्रों में तो इस प्रकार की प्रवृत्ति तो सभी जगह है, तो हमें सारा कार्य जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं यद करोषि यदश्नाषि यद जुहोषि ददाषि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्वामदर्पणम्। तो तत्कृष्वामदर्पणम् जो भी कुछ हो वो हमें किसको अर्पण करना है, वो कृष्ण को अर्पण करना है। तो हम जो भी कुछ कार्य करें, जो भी कुछ सेवा करें, जो भी कुछ व्यवस्था में लगे, सारी सेवा कार्य व्यवस्था इत्यादि में हमें क्या करना है, कृष्ण को समर्पित कर देना है। तो जब हम कृष्ण को समर्पित करके कार्य करेंगे, तो जब हम श्री कृष्ण को समर्पित कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे, तो जैसे भगवान भगवद्गीता में कहते हैं यज्ञात कर्मणो अन्यत् लोको एवं कर्मणा तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो अगर यज्ञ किया जाए और यज्ञ कृष्ण के पृथक कृष्ण से पृथक होकर के किया जाए या कृष्ण के लिए नहीं किया जाए, तो ऐसा यज्ञ कर्म बंधन करता है, लेकिन अगर कृष्ण के लिए किया जाए तो यही यज्ञ क्या होगा, यही यज्ञ मुक्ति का कारण बनेगा। तो इस कलयुग में यज्ञ जिस यज्ञ का प्रावधान है वो है संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ना हमें सतुगुणी यज्ञ करना है, रजोगुणी ना तमोगुणी, हमें शुद्ध सत्विक गुण शुद्ध सात्विक यज्ञ करना है, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो यहाँ पर दिया गया है सार रूप में।
अब जो है हम तपस्या यानी श्लोक संख्या 14 से लेकर के 16 में तपस्या के तीन प्रकार के बारे में बताया, तो तीन गुणों में तपस्या के बारे में, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या के बारे में श्लोक संख्या 14, 15, 16 में बताया गया है। तो श्लोक संख्या 14 में बताया गया है, देवदुज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप्य उच्यते। भगवान कह रहे हैं परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता, पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करने करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर भगवान तपस्या का भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। हमें चाहिए कि हमें नियमित रूप से इन्हें प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर को, भगवान को, देवताओं को, योग्य ब्राह्मणों को, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों को या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। तो इन सभी लोगों को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखें प्राय पूर्व काल में हर बालक जो सुबह उठता था, सुबह उठ करके उसका प्रथम कार्य होता था वो जाए भगवान को प्रणाम करे। भगवान के अर्चा विग्रह होते थे प्राय घर में। भगवान को प्रणाम करने के बाद माता पिता अपने परिवार के सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त करे। वर्तमान समय में सभी उठ करके कोई आशीर्वाद प्राप्त करने की कोई कोई भी आशीर्वाद नहीं प्राप्त करता, कोई भी चरण स्पर्श नहीं करता। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि सुबह हमें क्या करना चाहिए कि गुरुजनों को, जो हमारे गुरु हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, घर के वरिष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। और यही शारीरिक तपस्या है। ये झुकना, ये प्रणाम करना, इसमें कष्ट होता है। झुकना प्रणाम करने से व्यक्ति के अंदर विनम्रता का विकास होता है। आप देखिए कि प्रायः तो पहले लोग चरण स्पर्श किया करते थे, पहले तो दंडवत प्रणाम किया करते थे। तो जब भी हम भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष जाए तो हमें क्या करना चाहिए, दंडवत हो जाना चाहिए, जैसे पुरुषों को दंडवत और माताओं को पांचांग प्रणाम करना चाहिए। तो दंडवत प्रणाम करने से क्या होता है कि सारा जो है, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से शरणागत, गुरु के समक्ष हमें साक्षात दंडवत करना चाहिए, माता पिता को दंडवत करना चाहिए। लेकिन ये सब प्रथा, ये सब जो है विषय वस्तुएं आजकल के सो तथा कथित आधुनिक युग में इन सभी चीजों का कोई भी मोल नहीं रह गया है। पहले लोग चरण स्पर्श करते थे, चरणों को स्पर्श करते थे, फिर चरणों को उठते उठते अब जो है घुटनों, जो घुटने के नीचे जो होता है उसको स्पर्श करते थे। आजकल तो वो जांघों को स्पर्श करते थे, उनको इतना भी अब झुकने में इतना दर्द होता है कि जांघों को स्पर्श करके चरण स्पर्श करते। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसके बाद कहा गया है इन इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। या कोई युवा कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में न रत रहे, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्या है। तो शारीरिक तपस्या के लिए माता जी, माता पिता, गुरुजनों का प्रणाम करे, ब्राह्मणों को प्रणाम करे, गुरुजनों को सेवा करे, चरण स्पर्श करे, ये क्या है, ये शारीरिक तपस्या। इससे साथ ही साथ पवित्रता का पालन करें, यानी नहाए धोए, नियमित रूप से नहाए धोए, आंतरिक और बाहरी। तो बाहरी रूप से साफ सफाई कैसे करेगा, जब नहाएगा वो, जब नियमित रूप से स्नान करने, शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को 3 बार स्नान करना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल में अगर कोई एक बार भी स्नान करे तो भी उसे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम एक बार स्नान करने वही बहुत बड़ी बात है। फिर आंतरिक रूप से कैसे अपने आप को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, जब भगवत चेतना में रहेगा। और भगवत चेतना में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर सरलता, सरलता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपना जीवन क्या करना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार। उसे अपनी आवश्यकताओं को सबसे कम कम से कम रखना चाहिए, सरलता पूर्वक जो भी मिल जाए उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। किसी भी चीज में उसे ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं। जो भी उसे भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहे। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी किसी भी प्रकार के अवैध संघ से बचे। और अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीव के प्रति कोई हिंसा न, सभी जीवों को संरक्षण दे, सभी जीव के प्रति करुणा रखे और सभी जीव को, सभी जीव की किसी भी जीव के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष न रखे। तो अगर इस तरह से अगर कोई व्यक्ति यही जो है, जैसे कहीं पूछे कि शरीर की तपस्या क्या है, तो शरीर की तपस्या है, तो वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि ये शरीर जो है वो तपस्या के लिए दिया गया है। तो भागवतम में भी वर्णन आता है जब भरत महाराज के पिता शबदेव जी कहते हैं, अपने 100 पुत्रों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि शरीर का उद्देश्य क्या है, ये शरीर का उद्देश्य है तप करना, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तम नायम दे भाजम निलोक कष्टम कामन अरहति विड़ुजम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तम जिसमान ब्रह्म सौपन तो। ये शरीर का उपयोग है, शरीर का उद्देश्य है तप करना और उसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्म सुख प्राप्त करने, ये शरीर की तपस्या हो गई। अब आते हैं वाणी की तपस्या, श्लोक संख्या 15 भगवान वाणी की तपस्या हो गए थे। अनवेदकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन चैव वाङ्मये तपुच्यते। तो भगवान कह रहे हैं सच्चे खाने वाले हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले याक बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। तो शरीर की तपस्या के बाद अब जवान की तपस्या बता रहे हैं, वाणी की तपस्या। तो हमें कैसी वाणी, ऐसी बात, ऐसी कौन सी बातें बोले, सच्चे मन को भाने वाली, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करो आपहु शीतल होए। तो कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जैसे किसी को कष्ट न पहुंचे, हमें तोल मोल करके बोलना चाहिए, हमें हमें संवेदनशील होकर के बोलना चाहिए कि कब हमें किस बात का प्रयोग करना है। जवान से निकले वाक्य और कमान से निकले तीर ये कभी वापस नहीं है। आप देखिए ये शास्त्रों में तो जो मूलभूत रूप से झगड़ा है वो जवान की वजह से ही झगड़ा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को शुद्ध ऐसी बातें ना बोले जो किसी को बुरी लगे, जैसे हम ताना मारते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए। हमें देखिए झापड़, अगर आप किसी व्यक्ति को झापड़ मार दीजिए तो झापड़ का दर्द जो है एक दो दिन, एक दिन में, एक घंटे में, आधे घंटे में या 10 दिन में, 15 दिन में व्यक्ति भूल जाएगा, लेकिन जो ताना है या वाक्य जो है व्यक्ति को चुभते रहते हैं। और देखिए महाभारत हो, महाभारत जो है वो किस वजह से हुआ, मतलब बहुत सारे कारण है लेकिन मूलभूत कारण एक ये भी है कि जब द्रौपदी ने क्या किया, दुर्योधन का तिरस्कार किया, उसे कटाक्ष मारा, अंधे का पुत्र अंधा का। तो इस तरह से हमें सच्चा, और हमें क्या करना है, सच्चा बात बोलना है। तो सच्ची बात बोलने के लिए सच्चा वो सच बोलना है जो कि प्रिय प्रिय करो। काने को काला बोलना ये सत्य है लेकिन ये हमें इससे बचना चाहिए, इसको काने को काला नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और मन को भाने वाला, जो मन को भाए, जो प्रिय करो, हमें चाटुकारिता नहीं करनी है लेकिन एक ही चीज बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें ऐसे ऐसी बातों को बोलना चाहिए, सत्य को बोले जिससे कि किसी को बुरा भी ना लगे और बात को बता भी दिया जाए। हितकर, हमें वो सत्य बोलना चाहिए जो व्यक्ति के लिए हितकारी हो। कई बार हम सत्य बोल देते हैं, ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे लोगों के अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। तो हमें अगर ऐसी स्थिति में आए जहां पर हमारे बोलने से अगर किसी का द्वेष हो रहा है, किसी के बीच में झगड़ा हो जाएगा, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उससे बच जाए, या किसी को जा करके हमें सत्य नहीं बताना चाहिए, इधर आओ इधर आओ मैं तुमको एक सत्य बताना चाहता हूँ, नहीं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे भी किसी चीजों से बचना चाहिए, साथ ही साथ अन्यों को दुख देने वाले सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। तो इन सब चीजों को, ये सब सारी गुड हैबिट्स है, अच्छी आदतें कैसे विकसित होंगी, जब हम वाणी से वैदिक साहित्य का नियमित पारायण। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि नियमित रूप से भगवद गीता के कम से कम एक श्लोकों का अनुवाद या तात्पर्य के साथ उसका उसको हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और विशेष करके भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वर्तमान समय में भगवान के नामों का जप करना, जान लीजिए ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये कर ले तो जान लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और यही हम कहते हैं ना, यही मुंह जो हमें पान भी खिलाता है, यही मुंह हमें जूता भी खिलाता है। तो हमें अपनी वाणी को बहुत ही इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि ये हमारी ऊर्जा जो है वो जाए ना। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति की आयु दिन पर आधारित नहीं होती, व्यक्ति की आयु जो है वो सांसों पर आधारित होती। तो हम जितनी बातें बोलेंगे, जितनी बात जितना बोलेंगे उतनी ही हमारी सांसें क्या होंगी, व्यय होंगी। पूर्व काल में कई ऋषि मुनिगण जो है, योगी गण, बहुत सारे वर्षों तक जीते थे। क्यों? क्योंकि अपनी जीवा पर या अपनी सांसों पर उनका नियंत्रण, कई वर्षों तक वो सांसें जो है वो धारण करके रख सकते थे, पास ज्यादा नहीं लेते। तो इस तरह से हमें चाहिए कि नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करें, कीर्तन करें, भगवान के
दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करें, उनका पारायण करें और ये वाणी के लिए लाभदायक। फिर मन की तपस्या, श्लोक संख्या 16 में भगवान मन की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तो मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है मना प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येता तप मान समुच्यते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि मन की तपस्या है। तो संतोष, तो वर्तमान काल में हम सभी को, किसी को भी संतोष नहीं। हम सभी लोग क्या है, हमारे पास कुछ है आधी छोड़ जैसे कुछ है और सारी के लिए धाते हैं। हम कहते हैं ना आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। तो हमारे पास जो भी है हम उस पर संतुष्ट नहीं देते हमें सामने में, जैसे कहते नहीं कि हा सदैव दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हरी भरी है। तो हमारे जीवन में गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग परेशान है। अरे पड़ोसी के पास, हमारे पास तो एक फैक्ट्री है लेकिन पड़ोसी के पास दो फैक्ट्री है। हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो दो तल्ले का मकान है, एक गाड़ी है, लेकिन पड़ोसी के पास तो तीन तल्ले का मकान है। तो मुझे और प्राप्त करना चाहिए जिससे मेरे पास पांच गाड़ियां हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होता है उसको हम एंजॉय नहीं करते और की चाहत में जो हमारे पास है उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि संतुष्ट रहना। ये संतुष्टि कैसे आएगी, जब हम जानेंगे कि जो भी हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो अगर आप देखें तो हम सभी लोग किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम सभी लोग इसलिए दुखी रहे हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। एक मनुष्य की, एक भौतिक जगत में रह रहे जीव की भौतिक आवश्यकताएं क्या है, आहार निद्रा महत्वपूर्ण या रोटी कपड़ा और मकान। तो ये सारी चीजें हम सभी को उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, हम इतनी व्यथित हो रहे हैं या दिक्कतें सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भौतिक चीजों को इकट्ठा करने के हमारे अंदर तीव्र इच्छा है। तो इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के कारण, मन में संतोष न होने के कारण व्यक्ति के पास जो भी होता है उसका वो उपभोग नहीं करता। जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने क्या किया, 47 तल्ले का घर बनवाया। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि 365 दिन में कितने दिन उस तल्ले के घर में रहते, तो प्राय उत्तर यही होगा कि हो सकता है 15-20 दिन, एक महीने से ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाकी समय जो है वो अलग अलग जगहों पर रहते होंगे कारोबार के सिलसिले। तो फिर व्यक्ति आप सोचिए कि वो घर बनाएगा इसलिए, आनंद लूटने के लिए, उसमें रहने के लिए, लेकिन चूंकि और की आकांक्षा है, और प्राप्त करने की आकांक्षा है, और इकट्ठा करने का, और इकट्ठा करने की सनक है, तो इस कारण से जो उनके पास है उसका भी वो कर पाना उनके लिए बहुत ही कठिन है। दूसरा है सरलता, मन की सरलता, यानी मन से व्यक्ति को सरल होना चाहिए। और सरलता के बारे में श्लोक रूपा जी बताते हैं, सरलता का तात्पर्य ये भी है कि अगर कोई हमारा दुश्मन भी हो और आप आकर के आपसे बहुत ही आपका यू है राज भी पूछे या रहस्य भी पूछे, तो सरल व्यक्ति जो है उसे बता देता है कि मेरा ये रहस्य, ये गोपनीय विषय वस्तु भी हो तो उसे पूछे जाने पर उसको प्रकट कर देता है। तो उदाहरणार्थ जैसे सहदेव जी जो थे बहुत ही उच्च कोटि के ज्योतिषी थे, और जब दुर्योधन उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि सहदेव जी ये बताइए, कृपया करके ये हमें अवगत कराएं कि किस समय यज्ञ करने से हम कभी पराजित नहीं। और ये सहदेव जी इतने सरल थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इसी महाभारत युद्ध के बारे में ही पूछ रहा था कि अगर मैं इस समय किस समय युद्ध करूंगा तो विजय नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ये मेरा दायित्व है कि अगर एक आगंतुक आया है और कोई प्रश्न लेकर के, तो चाहे मेरा वो शत्रु ही क्यों ना हो, से सही और उचित ही जानकारी दे। उसके उपरांत उसे बता देते हैं कि इस मुहूर्त में यज्ञ करने से क्या होगा, आपको विजय प्राप्त होगी। वो बात अलग है कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं होता, भगवान की चाहत के कारण वो तिथि, भगवान ने तिथि बदल दी। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को जीवन में सरल होना चाहिए, कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसे रहना पड़ जाए तो कभी उसे क्या करना चाहिए, किसी प्रकार का उसे विरोध या निषेध नहीं करना चाहिए। जैसे हमें इस तरह से ढालना चाहिए बच्चों को भी या स्वयं को भी, कि मान लीजिए हम रोज एसी के कमरे में सो रहे हैं और कभी आवश्यकता पड़ गई या हमें बगैर एसी या पंखे के अंतर्गत सोना हो तो कोई भी चिंता करने का विषय नहीं। तो व्यक्ति को इस पर किसी भी परिस्थिति में ढाल जाने को ही एक प्रकार से सरलता मान सकते। फिर गंभीरता, तो जब गंभीरता का अर्थ होता है तो व्यक्ति को गंभीर हम सोचते हैं, गंभीर अपने चरित्र में, गंभीर अपने स्वभाव। तो स्वभाव से गंभीर होने का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति जो है किसी से बोले नहीं, हंसी मजाक नहीं। गंभीर का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने अपनी अपनी साधना में, अपने अपने दैनंदिनी नियमावली में व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, लेकिन उसको स्वभाव से सभी के प्रति उसे सभी से
उसे उल्लास पूर्वक रहना चाहिए, हंसता रहना चाहिए, आनंद पूर्वक रहना चाहिए। और भक्तों प्रचारक को आवश्यक है कि वो चीयरफुल, वो आनंददायक हो, आनंदमय। अगर वो खुद स्वयं आनंद नहीं, आनंददायक नहीं होगा तो कैसे प्रचार करेगा। अगर जैसे मैं खुद ही मुंह लटकाए रहा हूँ तो ऐसी बात है, ये भगवद्गीता पढ़िए और अपने जीवन में सफल बनाइए, तो आप कहेंगे अरे प्रभु आप तो खुद ही एकदम उदास उदास हो, उदास पंकज उदास की तरह उदास हुआ और आप बोल रहे हो कि भगवद्गीता पढ़ने से जीवन बदल जाएगा, तो पहले अपना खुद का जीवन बदल हुआ। तो इसी तरह से हमें चाहिए कि जब व्यक्ति उत्साहित रहेगा तो दूसरे का उत्साह वो देख करके उत्साह आता है। बहुत सारे भक्त जो है वो भक्त कैसे बने, जब वो मंदिरों में जाते हैं, इस्कॉन के केंद्रों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि इतने सारे लोग मंगल आरती के समय या किसी भी दर्शनार्थी या कीर्तन के समय वो उत्साहपूर्वक नृत्य कर रहे होते हैं, उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक वो नाच रहे होते हैं, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी अवसाद के वो आनंद पूर्वक रहते हैं और कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कथाओं में भाग ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये बहुत ही संशय हो जाता है कि कैसे क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है कि वो पूर्ण रूप से उल्लासपूर्ण रहे। तो ये तब हो पाता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में गंभीर होता है। तो कैसे कहा गया, कृष्णदास बिंदास और मायादास उदास। तो मायादास गंभीर रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी चिंता और अवसाद रहेगी, अवसाद रहेगी। लेकिन कृष्णदास हो बिंदास हो, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि कृष्ण उसे संरक्षण दे रहे हैं। तो इसी तरह से कृष्ण भक्त गंभीर होता है अपनी साधना में, भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में, और चूंकि वो गंभीर होता है इन सारी चीजों में तो भगवान और भक्तों का अत्यंत जीवन आत्म संयम होना चाहिए कि भगवान जिस किसी भी परिस्थिति में रखे उसको उसी तरह से देना, ठीक है। एवं इसी तरह से अगर ये सारी चीजें मन की तपस्या है तो ये सारी चीजें व्यक्ति कब कर पाएगा, ये सारी चीजें व्यक्ति तब कर पाएगा जब वो नियमित रूप से अपने इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से भगवान की सेवा में संलग्न है। नियमित रूप से अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा हो, भगवान की सेवा में मंगल आरती अटेंड कर रहा हो, भगवान के भक्तों की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगा हो, और विशेष रूप से नियमित रूप से भगवान तन मन धन से अगर भगवान की सेवा में जब लगा रहेगा इंद्रियों से, तो मन भी जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। और जब मन भगवान की सेवा में लग जाएगा तो व्यक्ति का जीवन जो है वो अपने आप ही सफल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 17 में। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान बता रहे हैं कि अब तपस्याएं के बारे में बता रहे हैं, तपों के बारे में। श्लोक संख्या 17 में तीन गुणों में तपस्या, श्लोक संख्या 17, 18 और 19। तो अब भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 17 में, श्रद्धया परया तप्तम तपा त्रिविधम नरे अफल कांक्षी भी युक्ते सात्विकी परिचक्षसे। भगवान कह रहे हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा के बिना, इच्छा ना करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न किया या तीन प्रकार की तपस्या साथी तपस्या है। तो भौतिक लाभ की इच्छा के बिना, तो जो कार्य हम कर रहे हैं, जो भी तपस्या हम कर रहे हैं, वो किसी प्रकार के भौतिक लाभ के लिए नहीं मिल रही, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम कहते हैं कि निष्काम भाव, जैसे हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका कोई भी भौतिक इच्छा ना हो, कोई भी उससे लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इस प्रकार के तपस्या करने केवल परमेश्वर द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न या तीन प्रकार की तपस्या साथी कहलाती है। तो अगर ये कार्य किया गया हो किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के बगैर और किसकी, भगवान के लिए, भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए की गई तपस्या में मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न, और ये तपस्या किस किस प्रकार से संपन्न की जाती है, दिव्य श्रद्धा में, यानी भगवान में श्रद्धा होने के साथ, भगवान के प्रति अगाढ़ श्रद्धा हो। तो यह तीन प्रकार की तपस्या, अब भगवान अब तीन प्रकार की सात्विक तपस्या के बारे में, अब तीन प्रकार की तपस्या के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो तीन चीजें हैं इसमें, दिव्य श्रद्धा से संपन्न यानी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है यानी सब भगवान को समर्पित है, और तीसरा केवल परमेश्वर यानी कृष्ण के लिए। तो ये सात्विक तपस्या है, तीन पॉइंट था। अब हम दे रहे हैं कि राजसी तपस्या, रजोगुण में तपस्या क्या है, सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्बेन चैवयत् क्रियते तदा हि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तो भगवान कह रहे हैं जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है, यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है। तो यहाँ पर रूपा जी कह रहे हैं
यहाँ पे हमें समझने का प्रयास है कि जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, तो अगर आप देखें कि तपस्या तो लोग करते हैं लेकिन दंभ की पूर्वक यानी अहंकार के ऊपर, मैंने तपस्या की, मैंने इतना तपस्या की, मैंने क्या किया, नवरात्रि में कोई भी प्रकार का जल नहीं ग्रहण किया, 9 दिन में कुछ खाते नहीं, मैं करता हूँ 9 दिन कुछ खाते नमाजा में पानी मेरे सामने आ जाए, पानी देख के भी मैं मुंह मोड़ लेता, तो तपस्या तो किया लेकिन उस तपस्या में भी अहंकार है। तथा सम्मान, मैंने तपस्या की, मैं 9 दिन निर्जल रहता हूँ, मैं 9 दिन ये नहीं करता, मैंने वो ये तपस्या करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करता, जिसमें अहंकार पूर्ण रूप से, और इसलिए भी बताया जाता है जिससे सम्मान प्राप्त हो। और फिर सत्कार है वो पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, यानी सत्कार यानी लोग जब करे तो उससे लोग हमारा सत्कार करें, वाह 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 क्या आयोजन करा है। जैसे उत्तर भारत में प्रायः ठंडी के मौसम में लोग गया जगन्नाथ जी जाते, गया जाते हैं उसके बाद जगन्नाथपुरी जाते हैं, उसके बाद क्या होता है गया का भोज होता है, बोलते गया का भात बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस गया के भोज में क्या करते हैं वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, जैसे और बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाते हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले बैठा हुआ था तो एक गांव के लोग आए, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो भागवत सप्ताह कराने वाले हैं, तो किसको बुलाने हैं, तो फला वाले बाबा जी को बुलाने वाले हैं, तो क्या कितना लगेगा, तो बोले 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए वो बाबा जी लेते हैं 7 दिन की सप्ताह करने के लिए। तो बोले अच्छा, तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग तो 35 लाख दे रहे हो तो कुल मिला के 70-80 लाख रुपया खर्च होगा, ये टीवी में बहुत फेमस माता जी है जो 35 लाख लेती है। उसके बाद उन्होंने बोला अरे उनका छोड़ो, हम लोग जो बुलाने वाले हैं वो बाबा जी जो 90 लाख रुपया लेते हैं, 90 लाख रुपया लेते हैं भागवत सप्ताह, 7 दिन का भागवत सप्ताह करने के लिए, और उसमें उनका सब सम जो है ना, साउंड सिस्टम की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था सब बाबा जी की होती है, और वो 90 लाख रुपया लेते हैं, सोचिए 7 दिन का भागवत सप्ताह करने, तो और 35 लाख रुपया लेते हैं। तो वो लोग किसके लिए बुलाते हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि 7 दिन जो है वो श्रवण करेंगे, उनका उद्देश्य होता है कि मैंने देखो इतना पैसा खर्च कर दिया, मैंने इस बाबा जी को बनाया, इस बाबा जी को बुलाया जो कि इतना अधिक पैसा ले, तो उनका उद्देश्य, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का वो क्या, सुखदेव गोस्वामी क्या का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था कि परीक्षित महाराज 7 दिन और 7 रात में इनकी मृत्यु होने वाली है तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान जो है प्रभावित किया जाए, लेकिन और परीक्षित महाराज जो है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भक्ति कार्यों में संलग्न है, लेकिन इसके उलट ये जो तथाकथित लोग होते हैं इनका उद्देश्य होता है कि मेरा यश बढ़े, 90 लाख 70 लाख 30 लाख 25 लाख जो है कथावाचक लेके जाते, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो व्यावसायिक रूप से जो कथावाचन करते हैं, इतने सारे अधिक पैसा ग्रहण करते हैं लेते हैं, ये कथा से कोई लाभ नहीं होता है, ना ये ना ना यजमान को लाभ और ना उस कथायाचक को लाभ, तो सब जो है जैसे कहते हैं ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों का रंग में ठेला मिले, तो इस तरह से ठेलम ठेला चलता है। और जब इस तरह से व्यवस्था होती है कि मेरा सत्कार, मेरा यश बड़े, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने उतना पैसा खर्च किया, और इस इन सारे यज्ञों से या तपस्या से जो लाभ भी प्राप्त होता है व्यक्ति, अगर लाभ भी प्राप्त कर ले तो ऐसा ही होता है। जैसे कि आप देखिए हिरण्यकश्यप ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने कई 1000 वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, उसके बाद जो भी वर प्राप्त किया वो वर क्या चिरकाल तक रहा, वो वर अस्थायी रहा, ठीक है, क्योंकि प्राय रजोगुण में व्यक्ति जो है वो देवी देवताओं की पूजा करता है, और देवी देवता क्योंकि खुद ही अशाश्वत 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 है, इसलिए उनसे प्राप्त फल भी अशाश्वत है, तो अगर कोई किसी देवी देवता के लोक में पहुंच भी जाए तो अपना शाश्वत काल तक नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि वो देवी देवता का लोक भी जो है इस भौतिक जगत में, और चूंकि वो व्यक्ति खुद शाश्वत नहीं है तो आपको शाश्वत लाभ कहाँ से प्राप्त दिला सकते। अब आ गए हम श्लोक संख्या 19 में, तो आज ये आज के दिन का ये आखिरी श्लोक होगा, श्लोक संख्या 19 में भगवान कह रहे हैं मूढ़ो ग्रहाणे आत्मना यत्पीड़याकृते तपा परस्य उत्साधनार्थम अर्थम वा तत्तामसम उदाहरितम। तो भगवान कह रहे हैं मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए, तो मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हुए कह रहे हैं कि मूर्खता पूर्वक तपस्या के अनेक अनेक दृष्टांत है, जैसा कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या, उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी लेकिन अंत में भगवान द्वारा मारा गया, किसी असंभव वस्तु की तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी ऐसे विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए तप करना जो कि असंभव हो, जैसे अमर हो जाने के लिए तपस्या करना कि मैं ऐसे तपस्या करूंगा कि अमर हो जाऊंगा, या कोई ऐसी विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना जो कि जिसका मूलभूत उद्देश्य ही हो दूसरे को हानि पहुंचाना। एक जैसे छोटा सा दृष्टांत बता देता हूँ कि
एक बार एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जो है एक देवता की पूजा करता है, बहुत बहुत पूजा अर्चना करता है, तपस्या करता है, और वो देवता जो है, तो देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के उसके समक्ष प्रकट होते हैं। चूंकि ये जो व्यक्ति होता है ये बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, तो जो भगवान है उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो क्या बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो जो भी वर तुम मांगोगे वो वर का दुगना जो है मैं तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। तो ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा व्यथित बता रहे, यार जो भी मैं करूंगा वो पड़ोसी को दे दूंगा। कोई बात नहीं, तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं क्या किया जाए, तो वो कहते हैं कि जो मेरा वर ये है, वो तो बोलते हैं मांगो, भगवान बोलते हैं उस व्यक्ति को, बोलते हैं मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो बोलता है कि ठीक है भगवान, ऐसा करिए मेरे पास जो है ना घर नहीं है, मुझे घर दे दीजिए। तो व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु। और जैसे तथास्तु कहते हैं तो इस व्यक्ति का एक घर तो बन जाता है बड़ा सा, लेकिन पड़ोसी के पास जो है दो घर बन जाता, डबल दो घर हो जाता है। तो ये व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, सोचता है कि तपस्या मैंने की और फल इसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो बोलते भगवान मुझे एक और जो है वर चाहिए। बोल ठीक है मांगो। तो कहते हैं कि ऐसा है कि भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। अच्छा एक आंख फोड़ दूं, तो जैसे उसकी एक आंख फूटती है तो दूसरे की पड़ोसी की दो आंख फूट जाती है। बोले अच्छा बहुत अच्छा, वो मजा आ जाता है। फिर बोला मेरे को एक और बच्ची। तो बोले ठीक है। बोले क्या, तो बोले कि मुझे जो है मेरे घर के सामने, मेरे द्वार के सामने एक बड़ा सा कुआं बना दो। तो बोलते तथास्तु, तो उसके सामने बड़ा सा दो कुआं बन जाते हैं। तो क्यों दो कुआं बनाता जाता है, तो बोला कि इसने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको दो बड़ा अच्छा घर मिल गया। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि इसकी दोनों आंख फूटी गई है, अब जैसे घर के बाहर निकलेगा ये उस कुएं में गिर के मर जाएगा। पॉइंट ये है कि व्यक्ति अगर तपस्या करे और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, तो तामसिक तपस्या होती है, जैसे कि भस्मासुर। भस्मासुर ने क्या किया, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और किसको प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी को प्रसन्न करने के उपरांत उसका उद्देश्य क्या था, शिव जी को प्रसन्न करने के उपरांत उसका उद्देश्य था कि वो जिसके ऊपर भी सर पे हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। और अंतोद्गत्वा भस्मासुर ने क्या किया, पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी को देख करके उसका मन ललायत हो गया कि पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए, और वो शिव जी को ही जलाने के लिए दौड़ पड़ा। तपस्या का क्या, मैं जिसके ऊपर हाथ रखू जल जाए। और फिर अंतर्गत शिव जी भागे भागे भागे, और भगवान विष्णु ने फिर जाकर के अः भस्मासुर को सलाह और भस्मासुर को मिलती। तो हमें समझना होगा कि ऐसी तपस्या जो कि दूसरे को कष्ट पीड़ा और दुख देने के लिए हो, ऐसी तपस्या जो है तामसिक तपस्या होती है। तो हमें सात्विक तपस्या या तामसिक तपस्या, राजसी तपस्या में फंसना चाहिए। हम सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम तपस्या करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे भागवत में कहा गया, धर्मा स्वामी सीता पुंसान मुख्य सेना प्रतुष्या न उत्पादे यदि दिन श्रमयोग के लिए। तो वो कार्य, जो भी कार्य करें, अगर उस कार्य को करने से हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग न बढ़े, कृष्ण के प्रति प्रेम न बढ़े, कृष्ण के प्रति आसक्ति न बढ़े, कृष्ण के प्रति आकर्षण न हो, तो ऐसा कार्य जो है वो क्या है, कोरा श्रम है। तो हमें किसी भी प्रकार के कोरे श्रम से बचना चाहिए, और जो कोई भी मूलभूत रूप से कार्य करें उस कार्य का उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रसन्नता। तो उस तरह से जब हम सारा कार्य कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्राप्ति के लिए करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा, और हम अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम सभी से अनुरोध है कि आप लोग तीव्रता से भगवान की भक्ति और सेवा में लगे रहें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें, निरंतर रूप से भगवान के भक्तों की सेवा करें, और नियमित रूप से प्रतिदिन प्रयास करें कि कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण का जप हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगे चल करके हम भगवत श्रीमद् भागवतम में डिप्लोमा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें भागवतम के सभी 18 18,000 श्लोकों का और सभी अध्यायों का, एक एक अध्याय एक दिन एक अध्याय की विवेचना करने का हम प्रयास। तो यहीं पे इन सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा, सभी कल्याण।